हाँ, बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। कपड़ा मार्केट में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, पार्किंग की जगह खड़ी 11 दुकानों को जेसीबी मशीन ने तोड़ा है, तो 17 दुकानों पर सील बंद की कार्रवाई जारी है। तो रायपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां कपड़ा मार्केट में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। पार्किंग की जगह खड़ी 11 दुकानों को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया है, 17 दुकानों पर सील बंद की कार्रवाई जारी है। इसी के साथ कपड़ा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। तो पंडरी मार्केट में अमले के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए 11 दुकानों को जेसीबी मशीन से तोड़ा है। तोड़ू दस्ते के साथ पंडरी मार्केट में अमले के अवैध कब्जे पर यह कार्रवाई हुई है। कपड़ा व्यापारियों पे मचा हड़कंप, रायपुर से आपको खबर दे रहे हैं। रायपुर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां कपड़ा मार्केट में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, पार्किंग की जगह खड़ी 11 दुकानों को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट ब्यूरो चीफ मोहित साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोहित जी, नगर निगम की सख्त कार्रवाई, 11 दुकानों को जेसीबी मशीन से तोड़ा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, लगातार ये प्रशासन की कार्रवाई काफी समय से चल रही थी और आज जाकर सुबह 6 बजे के आसपास नगर निगम का जो तोड़ू दस्ता है, वो पंडरी जो प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, जहाँ पे लगातार अवैध कब्जे की शिकायत, यातायात पार्किंग की जो जगह है वहां पर अवैध कब्जे की शिकायत थी। लगातार जो दुकानें थी उसको बढ़ा लिया गया था, सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया गया था। इस तरह की लगातार जो कार्रवाई थी और उसके खिलाफ जो है नगर निगम बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने हाईकोर्ट पे पूरा ये मामला लगा दिया था और लगातार ये लंबा समय तक खींचता रहा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगातार खींचता रहा। उसके बाद कहीं जाकर हाईकोर्ट ने जो है नगर निगम के पक्ष में अपना फैसला दिया था, हाल ही के 15 दिन पहले ही, और उसके बाद से प्रशासन लगातार समय देख रहा था कि कब जो है वो कार्रवाई करे। उसके बाद नोटिस देने के बाद जो लगभग 17 दुकानें हैं उन्हें तोड़ा गया है और जो लगभग 24 से 25 जो दुकानें हैं वो उस पर अभी सीलबंद की कार्रवाई कर रही है। बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स मौजूद है, व्यापारी गण यहाँ पर मौजूद है और भी बताना चाहूंगा, लगातार इस कार्रवाई से जो व्यापारी है उनमें हड़कंप मचा हुआ है, लगातार परेशानी के हालात दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा एक तरह से जो यहाँ पे व्यापारी हैं वो संगठन बनाकर पूरे आसपास जो सरकारी है उन्हें पूरा कब्जा कर लिए। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है और आने वाले समय में जो जिस तरह से कब्जा कर लिए, वह कब्जा उस पर आने वाले समय में लगाम जरूर लगेगी।